Hey guys, welcome back to our new vlog. So I hope आप सब लोग ठीक होंगे. हम लोग बहुत बढ़िया हैं. आज सेकेंड डे है देहरादून का और हमारा ज़्यादा स्टे नहीं है देहरादून में. आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे होगा, फिर कल हम लोग दिल्ली से निकल जाएंगे. तो अभी हुआ ये था कि हम लोगों ने प्लान किया था कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि हम लोग बहुत थके हुए थे सारे, तो हम उठे नहीं टाइम से. पर कोई नहीं, अभी आज का हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल रॉबर्स केव. तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा सारी डिटेल्स के लिए. अगर आप लोग गुच्ची पान में जा रहे हैं तो इस तरीके से चप्पल आपको खरीदनी पड़ेगी जिसका, हाँ मतलब इस तरीके से आपको चप्पल रेंट पे लेनी पड़ेगी. इसका रेंट है 10 रुपये. और अगर मतलब आपके पास ऐसी चप्पल है जो स्लिप नहीं होती है तो उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है. तो हम लोगों ने पहनी हुई थी तो हम दोनों ने चेंज नहीं करी. उन्होंने बोला वो चल जाएंगी. बाकी हमारे साथ 3 बंदों ने लिए हैं चप्पल. और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पार्किंग भी है, ये आपको दिख रही होगी मेरे साइड में. तो ये पार्किंग है सारी. पार्किंग का प्राइस 40 रुपये है फॉर मतलब कंप्लीट डे. तो उसके बाद कोई चार्ज नहीं होगा आपका. पार्किंग ठीक है, अभी यहाँ पे कम भीड़ है तो हमें पार्किंग जल्दी मिल गई. तो ये पैदल रास्ता, देखो साइड में आपको खाने के ऑप्शन मिलेंगे. मुझे एंट्री नज़र आ रही है, देखो वो एंट्री नज़र आ रही है रॉबर्ट्स केव की. अभी चल रहे हैं हम अंदर. धूप भी इस वक्त काफ़ी हो गई है. अब अगर आप सोच रहे हो मैंने मास्क क्यों पहना, मैंने मास्क इसलिए पहना बिकॉज मेरे को टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा. इन लोगों को नहीं हो रही, देखो ये शक्लें देखो इनकी. इन लोगों को नहीं हो रही, पापा जी को भी नहीं हो रही, मुझे अलग से टैनिंग हो रही है. और ये रही गुच्चू पानी की एंट्री. एंट्री तो सही बना रखी इन्होंने. तो 5 टिकट ली हमने, पर टिकट 35 रुपये की है. और 4 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए टिकट फ्री है, बाकी 4 साल से ऊपर वालों के लिए टिकट लगेगी. तो अंदर एंट्री कर ली हमने और ये देखो पानी का फ्लो क्या सही आ रहा है. और यहाँ से भी आगे तक जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही होगा, 50 मीटर होगा मेरे ख्याल से. देखते हैं अभी चलते हैं. मुझे वहाँ भीड़ नज़र आ रही है आगे. हाँ आगे भीड़ है और बाकी हाँ. और खाने पीने के भी ऑप्शंस अच्छे यहाँ पे है, बाकी मौसम तो सही हो रखा है आज यहाँ पे. वो कुछ इस तरीके से है, अंदर शेड्स भी हैं बैठने के लिए अगर आप बैठना चाहो तो. जितना स्पेस है उसका इन लोगों ने यूज़ किया है. वॉशरूम भी अवेलेबल है सबके लिए. ये शैक्स हैं, वही शैक्स में कुछ मंगवाना है खाने के लिए तो आप मंगा सकते हो. बाकी आगे चलते हैं. पानी की आवाज़ तो आ रही है बट लेट्स सी कितना दूर है. और तो ये एंट्री है गुच्चू पानी की. यहाँ लोग नहा रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं. पापा जी आराम से. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, छपा के मारते हुए लोग पानी में. ये देखो चप्पल ही फेंक रहे बच्चे. और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और हमारे साथ मम्मी नहीं है क्योंकि मम्मी को डर लगता है, तो इसलिए मम्मी नहीं आई, मम्मी वहीं खड़ी है. और यार पानी जो है ना वो इतना ठंडा है ना, पैरों में सही मज़ा आ रहा है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको. बट पानी थोड़ा सा देखो गंदा दिख रहा होगा इस टाइम पे क्योंकि अभी बारिश हुई थी, बट कोई नहीं. और पानी का जो लेवल है ना अभी वो आगे जाके थोड़ा बढ़ता रहेगा. और मतलब हम लोग पानी के अंदर अंदर जाते रहेंगे. और ऊपर से सीन देखो यार. और ये देखो मेरे को. और देखो जैसे कि आप देख सकते हो पापा भी थोड़ा सा आधे अंदर चले गए. तो यार ये जो केव है ना ये 600 मीटर लंबी केव है. अभी हमने और आगे जाना है. और जैसे कि आप देख सकते हो देखो पानी का लेवल अब आगे कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. और नेचुरल लाइट यार बहुत सही लग रही है. और ये जो केव है ना ये नेचुरली बनी हुई है, ये कोई बनाई नहीं गई है, आर्टिफिशियल केव नहीं है ये. ऐसा मतलब सुनने में यही आता है कि जो रॉबर्स केव है वो जब ब्रिटिशर्स का ज़माना हुआ करता था तो तब यहाँ पर जो चोर लोग होते थे वो रॉबरी करके यहाँ पे छुप जाते थे. तो तब से इसका नाम रॉबर्स केव हो गया. और हिंदी में इसको कहते हैं गुच्चू पानी. थैंक यू. तो फाइनली हम लोग पहुँच गए एंड पॉइंट पे. हम उतनी देर से यही सोच रहे थे कि ये कब ख़त्म होगा
तो अभी सीन ऐसा है कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी पहले मोनिका आगे आगे जा रही है, फिर मैं जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर काफ़ी रश दिख रहा है मेरे को। तो यार वो जो देख रहे हो आप जहाँ पे लोग खड़े हैं उसके पीछे ही वाटरफॉल है, तो हम वो कवर नहीं कर पाए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ पर यार इन्होंने सेफ्टी पर्पज़ की वजह से बंद कर रखा क्योंकि आगे बहुत गहरा है। और बाकी यार व्यू चेक करो यार, कितना ब्यूटीफुल व्यू है।